कानपुर की भोली भाली जनता को ठगने के लिए ठग कई हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन कानपुर में एक फाइनेंस कंपनी ने लोन दिलाने के नाम पर 500 लोगों को अपने जाल में फंसाकर रफू चक्कर हो गई। शिकायत मिलने पर कानपुर पुलिस व एसओजी ने जाल बिछाकर फाइनेंस कंपनी के 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जहां गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से पुलिस को फर्जी आईडी कार्ड व तमाम दस्तावेजों के साथ नकद रुपए भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया। स्वाट टीम और पनकी थाने ने एक उल्लेखनीय कार्य करते हुए एक फर्जी फाइनेंस दिलाने के नाम पे लोगों से धोखाधड़ी करने वाले गैंग को पकड़ा है। इस गैंग के 6 लोग पकड़े गए हैं। ये लोग कानपुर नगर, फतेहपुर, रायबरेली, उन्नाव और लखीमपुर खीरी सहित कई जनपदों में लोगों से फ्रॉड किया करते थे। इनका फ्रॉड करने का तरीका ये रहता था, सबसे पहले ये जो लोअर मिडिल क्लास के जो कम पढ़े लिखे लोग होते थे उनको टारगेट करते थे और फिर उनको लोन दिलाने के नाम पे उनसे मीटिंग करते थे और फिर फर्जी फॉर्म भरवा के और लोन अप्रूव कराने के नाम पे उनसे बहुत ही छोटी अमाउंट 1000-2000 रुपए के आसपास हर एक आदमी से लेते थे और हर एक जनपद में ये सैकड़ों लोगों से इस तरह की ठगी करके हफ्ते दो हफ्ते में जब इनका काम ख़त्म हो जाता था उसके बाद ये वहाँ से गायब होके दूसरे जनपद में अपना ठिकाना बना लेते थे। इस प्रकार से कई जनपदों में इन्होंने लाखों रुपए की ठगी लोगों के साथ की है। इस गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से जो कूटरचित फॉर्म ये भराते थे 50-51 के आसपास फॉर्म बरामद हुए हैं। मोबाइल फ़ोन, सिम, ATM और 42,000 रुपये के आसपास कैश बरामद किया गया। ये लगभग 400-500 से ज़्यादा अभी तक की जानकारी, चूँकि जानकारी करने में और वक्त लग सकता है। कानपुर में कम से कम 5-10 लाख रुपए ये अभी तक की जो जानकारी आई है उसमें लोगों को ठगा है और अब चूंकि ये मामले का जब भंडाफोड़ हुआ है तो और भी लोग पीड़ित जो हैं वो शिकायत दे रहे हैं। लगभग करोड़ों में जा सकता है इनकी जो फ्रॉड है, लेकिन ये बहुत ही लार्ज स्केल पे और छोटी छोटी अमाउंट की ठगी करते थे तो उसमें जानकारी करने में अभी वक्त लगेगा। ये लगभग 2 हफ्ते के आसपास कानपुर ठहरे थे और इसके अलावा जिस जनपद में जितना जल्दी इनका काम हो जाता था उसके बाद वहाँ से समेट के ये मोबाइल स्विच ऑफ करके भाग जाते थे।